हाँ भाई नमस्कार सभी को, स्वागत आप सभी का ड्राइवर ऑनलाइन थ्योरी क्लास में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साइलेंसर टॉपिक के ऊपर कि एक गाड़ी के अंदर साइलेंसर किस प्रकार से काम करता है और जितने भी जो छोटे छोटे उपकरण लगे होते हैं इन सभी का कार्य क्या होता है, इन्हीं चीजों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। और यहां से एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार देखने को मिलते हैं। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अधिक समय ना लेते हुए टॉपिक को। और आज हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है, साइलेंसर टॉपिक। ये चीजें बहुत ही शानदार तरीके से इस टॉपिक के बारे में हम जानेंगे। तो टॉपिक जो है वो कौन सा होगा, साइलेंसर। इस साइलेंसर को हम किस नाम से, अन्य नाम की अगर हम बात करें तो मफलर के नाम से भी जानते हैं। मफलर, क्लियर है चीजें, मफलर के नाम से भी साइलेंसर जो होता है उसको जाना जाता है, क्लियर है। अब एक जो चीजें हैं उनके बारे में बात करने वाले, सबसे पहले दोस्तों ये जो आपको पिक्चर जो दिखाई दे रही है वो किसकी है, एक गाड़ी का जो इंजन है उसकी, क्लियर है चीजें। बाकायदा यहां पे एरो डाल करके लिखा भी गया है। तो ये जो इमेज, ये जो फोटो वो किसकी होती है, एक इंजन की लगी होती है, क्लियर। उसके बाद में दूसरा जो आता अपने पास में कौन सा है, एग्जास्ट मैनिफोल्ड। अगर इस एग्जास्ट मैनिफोल्ड की हम बात कर लें कि इसका कार्य क्या होता है, तो दोस्तों जो मल्टीपल जो इंजन सिलेंडर होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है। किसको काम करता है, मल्टीपल जो इंजन सिलेंडर होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का कार्य कौन करता है, एग्जास्ट मैनिफोल्ड। एक एक चीज को हम क्लियर करके देखना, यहां से एक पाइप है, ठीक है। अब ये क्या करता है, तीन से चार जो पाइप हैं इन सभी को जोड़ने का काम कर रहा है, कौन कर रहा है, ये एग्जास्ट मैनिफोल्ड। तो इसलिए अगर हम बात कर लें एग्जास्ट मैनिफोल्ड के कार्य की, तो क्या करता है ये, मल्टीपल जो इंजन होते हैं उनके सिलेंडर को जोड़ने का काम कर रहा है। देखो यहां से एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर और चार नंबर, इन सभी को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये सभी को जोड़ने का काम कर रहा है एग्जास्ट मैनिफोल्ड, क्लियर है चीज। तो ये चीज तो हमें क्लियर होगी कि एग्जास्ट मैनिफोल्ड का कार्य क्या होता है। जब हम इस इंजन को चलाते हैं, क्या करते हैं, जब इस इंजन को चलाया जाता है दोस्तों, तो उस दौरान क्या होता है, तो उस दौरान हमारे पास में क्या होती है, उच्च तरंगे जो है वो उत्पन्न होती है, आवाज आती है, उसी के साथ में जो टॉक्सिक, हाई टॉक्सिक जो गैसेस होती हैं वो उत्पन्न होती है। तो क्या क्या होंगी, उच्च ध्वनि तरंगे। जब भी इंजन चलेगा तो उस दौरान उच्च ध्वनि तरंगे प्लस में हाई टॉक्सिक गैसेस, हाई टॉक्सिक गैसेस जो है वो क्या करती हैं, ये एग्जास्ट मैनिफोल्ड से होते हुए आगे की तरफ निकलते। जब भी इस इंजन को हम स्टार्ट करेंगे यहां से, तो इंजन को स्टार्ट करके अपने पास में उच्च ध्वनि जो तरंगे हैं वो प्लस में हाई टॉक्सिक जो गैस होती है वो यहां से इस एग्जास्ट मैनिफोल्ड से होते हुए कहां पे आएगी, आगे की तरफ निकलेगी, क्लियर है चीजें। एक नंबर जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया। दूसरा अगर हम बात कर ले दोस्तों, दूसरा अपने पास में क्या, वो आता है कैटलिक कन्वर्टर। यहां से अपने पास में उच्च ध्वनि तरंगें प्लस हाई टॉक्सिक गैसेस निकले और वो किसके पास गई, कैटलिक कन्वर्टर के पास में पहुंची। और जब कैटलिक कन्वर्टर के पास में ये चीजें पहुंचती है, कौन कौन से, हाई टॉक्सिक गैसेस और उच्च जो ध्वनि तरंगें हैं वो। तो इस हाई कैटलिक जो कन्वर्टर होता है दोस्तों, इसके अंदर क्या लगा होता है, एक फिल्टर लगा होता है, एक है? फिल्टर लगा होता है जो कि इसको क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है। अब जो फिल्टर है उसको क्या करता है, हाई टॉक्सिक जो गैसें होती हैं
उनको क्या कर लेता है, कम करने का काम ये करता है। क्लियरेंस इसे अगर हम बात कर लें कि जब इंजन को चलाया जाता है तो कौन कौन सी गैसेज उस धुआं के रूप में बाहर की साइड में अगर आती है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक एरो करके लिख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड ये जो गैस है वो साफ में निकलेगी। उसके बाद अगर हम बात कर ले दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर दोस्त, दो चीजें ये। तीसरी गैस की अगर हम बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड। यहां से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया था बहुत बार। चौथे की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो गैस है वो निकलती है। इसी के पास अगर बात कर ले नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन्स, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं या जल वाष्प जो होती है वो इसके अंदर देखने को मिलेगा। क्लियर ये चीज है, जब भी धुआं निकलती है तो उसके अंदर ये जो टॉक्सिक गैसेस हैं वो निकलते हैं। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर है? ये सारे के सारे किसके पास पहुंचे? कैटलिक कन्वर्टर के पास में। और यहां पर पहुंचने के बाद में कैटलिक कन्वर्टर के अंदर जो फिल्टर लगा होता है वो इस हाई टॉक्सिक गैसेस को क्या कर देता है, लो के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। और साथ ही जो इसके अंदर हाई टेम्परेचर जो था, क्या था, हाई जो टेम्परेचर, उच्च जो दाब था इसके अंदर, उच्च जो दाब टेम्परेचर जो इसके साथ साथ आया, किसके साथ साथ, उच्च दबनी दाब टॉक्सिक गैसेस और हाई जो टेम्परेचर है वो, यानी कि उच्च जो दाब है, उच्च दाब, उन सभी को कन्वर्टर बदलने का काम कौन करेगा? कैटलिक कन्वर्टर करने का काम करेगा। क्लियर है? यहां से हाई टॉक्सिक थी उसको लो के अंदर कन्वर्ट करने का काम कर दिया किसने? कैटलिक कन्वर्टर ने। टेम्परेचर उच्च था, यहां पे क्या कर लिया, निम्न करने का काम इससे कैटलिक कन्वर्टर ने किया। यहां तक क्लियर? उसके बाद में यहां से जो साउंड है वो होता हुआ किसके पास में जाता है? वो जाता है रेजोनेटर के पास। और रेजोनेटर जो तेजी से जो साउंड जो आ रहा है दोस्तों, उस साउंड को क्या करने का काम करता है? कम करने का काम करता है। यानी कि हम बोल सकते हैं आवाज जो होती है, जो ध्वनि होती है, उसको क्या करेगा? कम करने का काम करता है। कम करने का कार्य कौन करता है? रेजोनेटर करने का काम करता है। क्लियर है? तो रेजोनेटर का काम भी हमें समझ में आया, कैटलिक कन्वर्टर का काम समझ में आया, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का वर्क हमें समझ में आया। उसके बाद में जो धुआं है वो जाता है किसके पास में? मफलर के पास में। ठीक है? जिसको हम किसके नाम से, साइलेंसर के नाम से, जिसको हम किस नाम से जाना जाता है? साइलेंसर के नाम से भी जाना जाता है। तो मफलर के पास में जो ही ध्वनि जो जाती है, साउंड जो जाता है, तो इस मफलर की बनावट की अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो कुछ एक इस प्रकार की हो। आपने देखा होगा सिलेंडर को, इस साइलेंसर का अंदर का जो पार्ट है वो खुल के, तो कुछ एक इस तरीके की इसकी एक बनावट होती है। और इसके अंदर क्या होते हैं, चकोर इस तरीके के कक्ष होते हैं, चकोर कक्ष होते हैं, जिसको हम चैम्बर के नाम से भी जानते हैं। अब ये मेरे दोस्त क्या करता है, यहां से जो साउंड जो ध्वनि जो आवाज आई वो किसके पास में जाएगी? इस मफलर के पास। और मफलर के अंदर छोटे छोटे कक्ष या चैम्बर बने होते हैं, और यहां से साउंड जो ही आके सबसे पहले इस चैम्बर में जाएगा, फिर साउंड क्या हुआ, तेजी से था, कम हुआ, फिर दूसरे चैम्बर में जाएगा, फिर तीसरे में जाएगा, चौथे में जाएगा, पांचवें में जाएगा। तो इस तरीके से जो साउंड है इन कक्ष से होता हुआ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है? यहां से इन कक्ष इन चैम्बर से होता हुआ जो साउंड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। क्लियर चीज है? और कम होने के बाद में ये क्या करता है, यहां से निकलता है किसके पास में, टेल पाइप से होता है। ये आगे का जो पार्ट है ना वो उसको हम किस नाम से जान लेते हैं, टेल पाइप के नाम से। टेल पाइप से होते हुए और लास्ट के अंदर धुआं के रूप में निकल जाता है, और इसको हम किस नाम से जान लेते हैं दोस्त, गैस
एग्जिट एग्जॉस्टर सिस्टम के नाम से जानने का काम हम करते हैं। ठीक है, तो ये जो आप पिक्चर जो देख रहे हैं यहां से क्या निकलती है, जो धुआं है वो होती है वो निकलने का काम। ठीक है, तो ये होता है एक सिलेंडर का जो कंप्लीट वर्क है, किस तरीके से ये काम करता है, वो सारी चीजें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बात करी। सबसे पहले इंजन, इंजन जो ही चलता है तो इसके अंदर जो हाई टॉक्सिक जो गैसेस होते हैं, उच्च दबनी तरंगें होती हैं, उच्च जो टेम्परेचर होता है वो निकलता है, और उससे पहले ये सारी चीजें किससे होकर निकलती है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड मल्टीपल जेट इंजन जो सिलेंडर होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है, यानी कि तीन चार जो सिलेंडर होते हैं उनको एक साथ जोड़ने का काम करता है यहां से ही। फिर यहां जो टॉक्सिक गैसेस होते हैं वो किसके पास में, कैटलिटिक कन्वर्टर के पास में जाता है। इसमें एक फिल्टर लगा होता है जो फिल्टर क्या कर लेता है, सभी को टेम्परेचर को कम करता है, हाई टॉक्सिक को लो टॉक्सिक में कन्वर्ट करता है, और साउंड को क्या कर लेता है, थोड़ा सा कम। क्लियर, फिर ये रेजोनेटर के पास में जाता है, रेजोनेटर साउंड को क्या करेगा, कम करेगा। फिर उसके बाद में मफलर, मफलर के अंदर जो कक्ष चैम्बर होते हैं वो बने होते हैं और वो भी साउंड को क्या करेंगे, कम। और फिर टेल पाइप से होते हुए जो धुआं होता है वो क्या करेगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा, गैस एग्जिट एग्जॉस्ट सिस्टम से होता हुआ। ये सारी चीजें, तो ये एक साइलेंसर का, ये एक मफलर का जो वर्क है बहुत ही शानदार तरीके से हमने सीखा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसी प्रकार के और शानदार जो क्लास आप सभी के समक्ष लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।